हेलो दोस्तों, प्रोजेक्शन ट्रेडिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। प्रोजेक्शन में अगर कोई सबसे एक्यूरेट और सबसे सिंपल चीज है तो वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें हम चार्ट पर पिछले दिन के डेटा को देखते हुए कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जिनसे हमें पहले ही पता चल जाता है हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फिर एक पॉइंट से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ है, वहां पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसके बाद प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे गिरता है और फिर इसी सेम लेवल से दोबारा से सपोर्ट लेता है। तो ये हमारे लिए एक सिंगल सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस ने एक ही लेवल पर दो बार सपोर्ट लिया है और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे गिरना शुरू होता है। जिस पॉइंट से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ है, वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट लेवल प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है, रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। लेकिन अगर प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस हमारे दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन जो लेवल हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है तो प्राइस इस लेवल से दोबारा से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा। और S1 से S2 के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है, ये हमारा टारगेट होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इसे एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है, फिर प्राइस एक ही लेवल को दो बार टच कर नीचे गिरता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब इसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है और यहाँ पर एक बॉटम बनाता है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसके बाद प्राइस यहां से ऊपर जाता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। जब भी प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस की लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है और अगले दिन लगभग इसी सेम लेवल से मार्केट ओपन होती है। बीच में आपको दिवाली के दिन का एक घंटा देखने को मिल रहा है, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी लेवल से अगर मार्केट ओपन हुई है तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। इसके बाद अगर मार्केट हमारे सपोर्ट को ब्रेक करती है तो प्राइस S2 तक जाएगा। इसके बाद यहां पर प्राइस ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक है और यहां से हम एंट्री लेंगे और S1 से S2 के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है, ये हमारा टारगेट होगा। तो इसके बाद प्राइस यहां से वापस से ऊपर जाता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। जब भी प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस R2 तक जाएगा। तो यहां से हम एंट्री लेंगे। इसके बाद जो R1 से R2 के बीच आपको जोन देखने को मिल रहा है, ये हमारा टारगेट होगा। तो हमें हमारा टारगेट इजीली मिल जाता है। इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को प्लॉट कर इजीली प्रोजेक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।